इस बार हम कन्वर्जन की बात करेंगे कि एनएफए को हमें डीएफए में कैसे कन्वर्ट करना होता है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछ लूँ कि भाई एनएफए और डीएफए में पावरफुल कौन सी है? अगर कोई तुमसे क्वेश्चन पूछ ले तो इसका आंसर क्या दो? आंसर ये है कि दोनों ही इक्वल पावर की है। असलियत में पावर मशीन की ये नहीं डिसाइड करती, पावर जो डिसाइड करता है दैट इज़ डिसाइडेड बाय लैंग्वेज एक्सेप्टेड। कि कोई भी मशीन लैंग्वेज कौन सी एक्सेप्ट कर रही है वो चीज़ बताएगी कि वेदर द मशीन इज़ मोर पावरफुल देन द प्रीवियस वन और नॉट। ओके, तो हम सिर्फ कन्वर्जन की बात करके चलते हैं। तो कन्वर्जन में मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। माई लैंग्वेज स्टार्ट विद ए ओवर सिग्मा ए बी। मेरे पास जो वैल्यूज दिए वो ए बी है, तो आई होप इसका एन एफ ए सब बना लोगे। स्टार्ट विथ ए, स्टार्ट विथ ए मैंने पिछले वाले में ही बताया था क्या बनेगा। एन एफ ए डाल दिया, दिस इज़ माई स्टार्टिंग पॉइंट। फाइनल स्टेट आ गई मेरी क्यू वन। अब इधर जो मर्जी ए बी आ जाए कोई मतलब नहीं। सो हम कन्वर्जन के लिए सबसे पहली चीज़ जो करते हैं वो ड्रॉ करते हैं अपना एन एफ ए। सेकेंड चीज़ जो हम करते हैं वो करते हैं वी क्रिएट ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं हम, वो कैसे बनती है? स्टेट ए एंड बी, मेरे पास दो स्टेट है क्यू नोट एंड क्यू वन। क्यू नोट पे जब ए आया तो मैं पहुंच गया क्यू वन पे, क्यू वन पे जब ए आया तो क्यू वन पे, क्यू वन पे जब बी आया तो क्यू वन पे। इस स्टेट पे कुछ नहीं आया तो इसको मैं लेके चलूँगा फाइव, ठीक है, और वी कैन से अ डेड स्टेट डी। ठीक है, इस डेड स्टेट के लिए इफ वी वॉन्ट टू कन्वर्ट एन एफ ए टू डी एफ ए देन वी हैव टू चेंज दिस डेड स्टेट इंटू डेड कन्फिग्रेशन इंटू अ डेड स्टेट न्यू स्टेट कॉल डी। हम इस फाइव को एक न्यू स्टेट में कन्वर्ट करके एक नई ट्रांजिशन टेबल बना देंगे, नई ट्रांजिशन टेबल बना देंगे जिसमें क्यू नोट क्यू वन तो हो गई, लेकिन इसके साथ साथ इस फाइव को मैं डी लिखूंगा और इसके लिए भी एक अलग वैल्यू डाल देंगे। क्यू नोट क्यों ले रहा हूँ मैं यहाँ? क्यू नोट लिया मैंने, चलो क्यू नोट ले लो, जिस भी क्यू वन, ठीक है, ब्लैक पेन से ही लिख लेते हैं इसको, क्यू नोट क्यू वन। तो जब मेरा ए आया तो ये क्यू वन पे पहुँच गया, क्यू वन पे पहुँचेगा, ए आया तो ये क्यू वन पे पहुँच गया, और क्यू वन पे जो मर्जी आए वो क्यू वन पे रहेगा। ये डी है, डी पे ए आया या बी आया वो डेड कॉन्फ़िगरेशन ही रहती है, ठीक है। तो अब हमारे पास डी एफ ए की ट्रांजिशन टेबल आ चुकी है, बस डी के लिए हमें वैल्यू पुट कर देनी है, डी की जगह डी डी, बस काम खत्म हमारा। ट्रांजिशन टेबल अब क्या हो जाएगी हमारी, सिर्फ एक स्टेट ही मैंने ऐड की है, वो क्या ऐड किया, डी, डी ऐड की। इस डी में ए आए या बी आए वो वापस डी पे ही जाएगा, ये चीज़ हमें ये बता रही है। क्यू वन का हमारा वही केस है, क्यू नोट का भी वही केस है, बस अगर इसमें बी आ रहा है तो वो डी पे जा रहा है। सो दिस इज़ माई डी एफ ए। हालांकि आधे से ज़्यादा डी एफ ए मैंने पिछली प्रेजेंटेशन में भी बताई दिया जब मैंने एन एफ ए की बात की थी, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, दो चीज़ और क्लियर हो जाएगी। इस बार हम एंड विथ ए कर रहे हैं, ठीक है, ओवर ए कॉमा बी। तो इसमें हमारा क्या बनेगा, ये भी मैंने पिछली प्रेजेंटेशन में बनाया था, ए कॉमा बी एंड एंड विथ ए, तो ये मेरी फाइनल स्टेट में चले जाएगा, ये होता है। अब देखो इसमें होगा, चलो इस बार हम इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, ठीक है। हर बार क्यू नोट क्यू वन ले रहे हैं, ये लेके देखते हैं।
दिस इज माई स्टेट, ए दिस इज बी. अगर ए में वैल्यू यही चलती है तो ए आ रहा है एंड बी भी आ रहा है. तो याद रखना इस पर ऐसे नहीं होगा. असलियत में हम करते क्या है वो मैं बता दूँ. अगर हमारी कोई भी नई स्टेट आ रही है, पहली रो हमने ए चेक की, ए में मेरे पास ए भी आ रहा है बी भी आ रहा है, तो मैंने ए भी दोनों लिखे. तो अब हम इसके लिए आंसर निकालेंगे, ठीक है जी, इसके लिए आंसर निकालेंगे. ए बी के लिए आंसर देखिए, अब ए बी के लिए आंसर देखते हैं. ए बी के लिए आंसर क्या होगा, बी हमारे पास क्या है, बी में तो हमारे पास कुछ नहीं है, फाई है, फाई है. तो ए बी के लिए आंसर देखो क्या आएगा. ए बी में जब मैं डालूंगा तो ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है, दोनों का यूनियन कर दो तो ए बी ही आ रहा है, ए बी ही आ रहा है. अगेन ए बी, ए की वैल्यू यूनियन बी की वैल्यू, ए यूनियन बी करते हैं, ठीक है. तो ए यूनियन फाई इज ए. सो दिस इज माई ट्रांजिशन टेबल फॉर डी एफ ए. किया क्या हमने, जो भी रो में नया स्टेट मिलेगा उसके लिए हम न्यू रो बनाते. इस स्टेट, इस रो में मेरे को एक न्यू स्टेट मिली, इसके लिए मैंने एक न्यू रो बना ली और उसकी वैल्यू क्या निकाली, ए भी था तो ए यूनियन बी कर दो. ए में ए की वैल्यू क्या है, दिस, एंड यूनियन बी में ए की वैल्यू क्या है, दिस. तो फाइव से कुछ भी कर लो, बी आएगा, ऐसे इसमें यही आएगा, ठीक है. तो इसमें अब मेरा जो ट्रांजिशन टेबल बनेगा वो क्या बनेगा वो देख लेते हैं. तो डी एफ ए जो मेरा बनेगा वो मेरा ये बनेगा, एक ए स्टेट होगी एंड ये स्टेट की मेरे को ज़रूरत नहीं क्योंकि ये तो पूरी फाइल, और एक मेरे पास ए बी स्टेट होगी, दिस इज माय फाइनल स्टेट. ए में जब मैंने ए की वैल्यू डाली तो मैं इधर पहुंच गया एंड बी की वैल्यू डाली तो वापस ए में आ गया, और ए बी में जब ए की वैल्यू डाली तो इधर पहुँच गया, बी की वैल्यू डाली तो वापस ए पे पहुँच गया. सो दिस इज़ माई ट्रांजिशन टेबल. और सिर्फ इतना ही करना होता है हमें, इतने से ही हम डर रहे होते हैं. यही मेरा कन्वर्जन है एन एफ ए से डी एफ ए में कन्वर्ट करने के लिए. अगर किसी को कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन पर मैसेज कर सकता है. दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू. अगली प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ डी एफ ए की. दैट्स इट, थैंक यू.